दोस्तों ये देखिए बैटर है बना हुआ, मूंग दाल का बैटर बना हुआ है। आज हम लोग ब्रेकफास्ट में मूंग दाल का पकोड़ा खाएंगे। तो दोस्तों देखिए मैं पहले बैटर तैयार कर ली हूँ। इसमें ग्रीन चिली डाली हूँ और रेड चिली डाली हूँ और इसमें नमक डाली हूँ, गार्लिक डाली हूँ और जीरा, गुलकी, धनिया का पाउडर डाली हूँ और ग्राइंडर में चला दी हूँ। इस तरह का बैटर मैं तैयार कर ली हूँ दोस्तों देखिए। उसके बाद ये कढ़ाई में मैं तलने जा रही हूँ। पनीर कढ़ाई है जो हमेशा चढ़ती है और इस पे छनती है, इसीलिए मेरी कढ़ाई स्टील की है तो इस तरह की कढ़ाई दिखती है। आप लोग ये ना सोचे कि कढ़ाई मेरी गंदी है, कढ़ाई काफी साफ है। तो अब मैं तल कर दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए इतने छोटे छोटे मैं डाल रही हूँ, इस तरह के छोटे छोटे पकौड़े बनाऊंगी और उसे मैं सॉस के साथ सर्व करूंगी और गर्मा गर्म चाय पीऊंगी। दोस्तों नवरात्र आने वाली है, उस नवरात्र के लिए मेरी लास्ट पकोड़े है समझिए, गार्लिक वाली, क्योंकि अब तो जो भी बनेगी सब सादा सादा विदाउट अनियन गार्लिक। और हम लोग चना दाल खाते हैं, उसमें इस तरह का कोई दाल यूज नहीं करते हैं, इसलिए आज इस तरह का मैं पकोड़ा तल रही हूँ। दोस्तों देखिए ये तल रही है मेरी पकोड़े इस तरह से, इसे मैं ब्राउन कलर का करूंगी। देखिए कितने खूबसूरत कलर आ रहे हैं, रेड चिल्ली के जैसे फ्लेक्स डाले हुए उस तरह के दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों काफी खूबसूरत पकोड़े मेरे तल के तैयार होने वाले हैं। तो दोस्तों आप भी इसे ट्राई करिए और चाय के साथ खाइए। दोस्तों मेरी पकौड़ी तल चुकी है, देखिए गोल्डन हो गई है पूरी। अब इससे ज्यादा फ्राई होगी दोस्तों तो खाने में ठीक नहीं लगेगी। अब मैं इसे निकाल रही हूँ, तो देखिए इस तरह का मेरे पकौड़े हैं। अब मैं इसे देखिए कितना सुंदर कलर आया है दोस्तों। ये मैं पकौड़े निकाल रही हूँ। ये पकौड़े निकल गए हैं, यहाँ पे बैटर है, बैटर भी दिख रहा होगा आपको। और हमारे ये देखिए सॉस है, अब हम लोग इसके साथ खाएंगे। हम लोग का सॉस आ चुका है, ये सॉस है। छोटे छोटे पाउच लाई हूँ ताकि कल से नवरात्र स्टार्ट हो जाएगी तो खाने नहीं मिलेंगे, हम लोग ये सब नहीं खाते हैं। तो बाय दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।